पौष्टिक तत्वों से भरपूर है ये जो सब्जी है, पर ये जो है पानी के किनारे ही मिलती है और इसको जो है वाटर क्रेस बोलते हैं इंग्लिश में, और जलकुंभी बोलते हैं, या फिर जो हमारी पहाड़ी लैंग्वेज है उसमें इसको छुच्छ या आलम का साग मिलता है, और ठंड के दिनों में ही ये खाने को जो है वो मिलता है नदी नालों के किनारे। तो हिमाचल में, नेपाल में, उत्तराखंड में ढूंढ ढूंढ के लोग इसको खाते हैं, पर जाना पड़ता है नदी नालों के किनारे ही। पर मैं आज आपको बताऊंगी इसको गमले में कैसे उगा सकते हैं। बड़ी आसानी से उग जाता है और बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, मुझे भी नहीं था पहले पता कि इसको जो है हम गमले में उगा सकते हैं। तो एक प्रैक्टिकल की तरह मैंने इसमें किया और आसानी से उग भी गया और ग्रोथ भी बहुत ही बढ़िया जो है वो कर रहा है। इसकी जो एज है लगभग एक महीने की है, और जो भी हिमाचल से इस वीडियो को देख रहा है या उत्तराखंड से देख रहा है, तो आपको साल भर इसका साग खाने का वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ठंड में ही हम लोग ज़्यादातर इसका साग खाते हैं और उसी टाइम में नदी नालों के किनारे होता है। तो इसको गमले में भी भाई लगा सकते हैं, तो कई टेक्निक से इसको लगाया जा सकता है। मैंने इसको कौन सी टेक्निक से लगाया मैं अभी आपको बताती हूँ। और आप जैसा कि देख रहे हो इसमें बहुत सारे फूल लगे हैं और साथ में लगी हैं छोटी छोटी फलियाँ, और ये जो फलियाँ हैं यही इसके अंदर है बीज। अभी ये कच्ची है और जैसे ही हार्ड हो जाएगी इसके अंदर छोटे छोटे बीज निकलेंगे। तो मैंने क्या किया था कि मैंने इन फलियों में से जो है, जब मेरे पास साग आया था इसका, तो मैंने यूं ही प्रैक्टिकल के लिए इन फलियों को तोड़ करके इसके बीज निकाले थे और इस गमले के अंदर मैंने वो डाल दिए थे। तो मैं इसको गमले में पानी तो डालती ही थी, तो ये अचानक से उग गए। और मैंने ये मतलब जानबूझ के नहीं, जस्ट एज ए प्रैक्टिकली किया था और अच्छे से उगे हैं, और मैं उसके बाद इसमें पानी देती रही। तो पानी में इसमें कंटिन्यूसली देती हूँ, रोज़ कई बार दो दो बार भी देती हूँ। तो जैसे कि अभी गर्मी का मौसम है तो इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, जब बरसात होगी तो इसमें पानी भी डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी और ये अच्छे से ग्रो कर जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। और यहाँ इस गमले में थोड़ी जगह कम है, तो मैं इसको कुछ को जो है मैं अगले जो दूसरा गमला है बड़े वाला उसमें मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगी, और फिर बाद का रिज़ल्ट भी मैं आपको बताऊँगी कि क्या ये फैलता है, क्या ये ग्रो करेगा अच्छे से या नहीं। पर हाँ, एक बात तो है कि जैसे इसमें बीज लगे हैं, फलियाँ लगी है, तो ये बीज जब झड़ेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे, बहुत आसानी से ग्रो करेगा। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। और दूसरा तरीका मैं अभी आपको बताती हूँ कि आप इसको और कैसे लगा सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, मैंने छोटे छोटे जो इसके पौधे उग गए थे उनको मैंने यहाँ निकाल दिया है, और मैं बड़े गमले में इसको अब शिफ्ट करूँगी। मैंने वहाँ पहले भी एक लगा रखा है, तो उसको भी मैं आपको बताऊँगी, और वो कितना ग्रो किया है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो पहाड़ों में रहने वाले लोग इसको कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो इसके लिए बहुत ही अच्छा है। तो आप घर में भी इसे उगा सकते हैं और ये आसानी से उग जाएगा। तो बस मैं यहाँ पर इसको लगा दूंगी और फिर इसको मैं डेली पानी दूंगी और ये अच्छे से जो है वो ग्रो कर जाएगा। तो ये फैलता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा फैलता है, क्योंकि इसमें बीज लग जाते हैं ना, तो वही चटक के जब इसमें पड़ेंगे गमले में तो ये जो है अच्छे से फैल जाएंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसको लगा दिया है, और 15 दिन पहले मैंने एक पौधा यहाँ लगाया था, उसको भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखो, ये भी अच्छे से ग्रो कर गया है और फूल आ गए हैं इसमें और फलियाँ भी लग गई है। तो बस चटक के जो बीज है इधर ही झड़ेंगे और इससे जो है ये फैलता जाएगा। तो अभी इसमें मैंने थोड़ी बहुत अरबी लगाई है, जब ये अरबी मैं निकाल दूंगी तो इसी में मैं इसको रहने दूंगी और पानी देती रहूंगी निरंतर, और फिर मैं आपको रिज़ल्ट ज़रूर दिखाऊंगी कि ये कितना फैल गया है। तो आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं।